स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। ओके, आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के जो पार्ट होते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आज हम ये सभी देखने वाले हैं और फ्रैक्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब मैं सबसे पहले अगर आपको मैं सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, वन सर्कल, ओके, और इस वन सर्कल को अगर आपको हाफ डिवाइड करने के लिए बोले, हाफ मतलब आधा, आधा का आप इजीली कर लोगे, ठीक है, आधा कर लोगे आप इसको, इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो पूरा आपका सर्कल है, पूरा जब ये सर्कल था तो ये क्या था, वन था, ठीक है। जब हमने इसको हाफ कर दिया तो ये टू बन गया, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, वन बाय टू, है ना। देखो ये वन पूरा आपका था, ठीक है, अब इसको हमने देखिए टू पार्ट्स कर दिए तो ये टू हो गया, ठीक है, तो ये वन बाय टू, अब ये भी क्या हो गया, वन बाय टू। आ गया समझ में? जब आपके पास में एक सर्कल है तो आप उसको एक बोलोगे, बट जब आप उसको हाफ कर दोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, कि वन एंड हाफ पार्ट है या फिर हाफ पार्ट है, इस तरीके से बोलोगे। अब इसी तरीके से अगर आपको 1/3 बोले, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है और आपको बोले कि आप क्या करो, इसके 3 पार्ट्स करो, ठीक है, तो जो 1 पार्ट अगर आपको कहें यहाँ पे कि आपको क्या करना है, 3 पार्ट्स करने हैं, तो ये जो 1 पार्ट होगा, जैसे हम इस तरीके से सर्कल के 3 पार्ट्स करो, ये 1, 2, 3 पार्ट्स करने, अब ये क्या हो गए आपके, वन सर्कल के आपने 3 पार्ट्स कर लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताओ कि ये पार्ट इस पार्ट की वैल्यू क्या है, ये पूरा तो वन, ठीक है, ये पार्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये 1/3, ठीक है, ये भी क्या है आपका 1/3, ये भी क्या है 1/3, और जब आप तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका प्रश्न क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे 1/2 दे रखा था, तो उसको भी अगर आप एड करोगे 1/2 1/2 को, तो आपके पास में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके पार्ट्स होते हैं जो आपकी बुक में एक टेबल बना के बता रखे हैं। अब जैसे और भी मैं आपको इसमें बताऊं, जैसे कि आपको 1/4 के बोले, आपको बोले कि आपको एक सर्कल दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, 1/4 पार्ट बनाओ, या फिर आपको ये बोल दें कि एक सर्कल के आप क्या करो, 4 पार्ट करो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कोई भी गोल जैसे आपके पास में चपाती है, ठीक है, उसको भी अगर आपको पार्ट करना है, अगर आपको कोई बोले हाफ कर दो, 1/3 दे दो, 1/4 मुझे, 1/4 आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, जैसे आप 4 फ्रेंड्स हो तो हाफ 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 कर रहे हो, तो कैसे करोगे आप, ये तो हमारे डेली रूटीन में हम इसको यूज करते हैं, तो आप ये ईजिली कर लोगे, ठीक है, 4 पार्ट बोले तो आप ये कर लोगे। अभी एक पार्ट जो है ये 1/4 होगा, 1/4 बोलेंगे क्योंकि ये टोटल लिखे ना आपको 1, 2, 3, 4, और टोटल 4 में से आप एक को बता रहे हो, तो ये 1/4 भी क्या हो जाएगा, 1/4 1/4 एंड 1/4, ठीक है। तो ये आपका जब मिल जाएंगे सब, जब हम उनको वापस से जब सम करेंगे तब हमारा वापस से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से पेज नंबर 43 पे देखोगे आप कि 1/5 पार्ट के बता रखे सर्कल के, 5 पार्ट कर लिए, तो जो एक पार्ट है, जो 1 पार्ट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। इसी तरीके से देखो 1/6 बता रखा है पेज नंबर 44 पे, 8 पार्ट कर रखे हैं, 9, 10 पार्ट कर रखे हैं, 12 पार्ट कर रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पार्ट करके बताया है। तो ये जो है ये आपका कंसेप्ट है फ्रैक्शंस का, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस अगर पूछे कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है या कोई भी दिया हुआ, जैसे रेक्टेंगल दे दिया आपको, स्क्वायर दे दिया, और आपको क्या करना है, पार्ट करना है उसके, तो आप कर सकते हो इजीली, राइट। अब मैं आपको आगे कुछ और समझाने जा रही हूं, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया, अब हमको ये नहीं करना है, अब हमको, अब मैं जो आपसे क्वेश्चन बोलूंगी वो आपको बस बताना है, मुझे आपको समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, इसको शेड कर दिया, यहाँ पर मैंने लाइन्स ड्रॉ कर दी है, ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर फिर, मतलब मैंने इसको शेड कर दिया, आप ये समझ सकते हो,
इसमें पूछूं कि इसमें शेडेड पार्ट कितना है, ठीक है। अब आपको इसको, ये जो आपको फिगर दे रखा है, इसमें मैंने टू पार्ट्स को शेड कर दिया है और वन पार्ट मैंने ऐसे ही रहने दिया है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में डिनोट करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो आपको टोटल पार्ट काउंट करने हैं, वन टू थ्री है, और शेडेड कितने हैं, टू। इसको आप क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन है टू बाय थ्री, इट मीन्स टू पार्ट शेडेड है एंड वन और थ्री पार्ट जो है वो टोटल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में डिनोट किया है, ठीक है। पहले हम वन पार्ट बताते थे, इसलिए हमने वन बाय थ्री लिखा था, और इसको बोलते कैसे हैं, टू अपॉन थ्री बोल सकते हैं, इसको टू बाय थ्री बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है, जो ऊपर होता है ना, ऊपर की साइड जो होता है, ये होता है आपका न्यूमरेटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ओके, एंड नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, यस, ओके। सो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होता है। इसी तरीके से अब जैसे इसको मैं शेड कर दूं यहाँ पर, ठीक है, ये मैं कर दूं शेड, ठीक है। तो आप बता सकते हो मुझे, ट्राई करो, यस। तो आप मुझे ये बता दोगे बहुत इजीली, ये हो जाएगा आपका वन बाय टू, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं, टू, और वन कर रहे कैसे बन रहे, देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं, फोर है, और थ्री पार्ट शेडेड कर रहे हैं, इसलिए थ्री बाय फोर हो जाएगा। तो अभी हमने सीखा कि किस तरीके से हम, अगर हमको कोई फिगर दे रखा हो, उसमें पार्टीशन किया हुआ हो, और हमको कहे कि आपको इसको फ्रैक्शन में डिनोट करना है, तो आप इजीली कर सकते हो, है ना। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने आपको बता दिया कि डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है। तो यहाँ पर आपका ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है, और भी टाइप्स होते हैं, जैसे इम्प्रॉपर हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए, है ना, ये सभी हम देखेंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हम देखेंगे। यस, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन और क्या होता है इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हम देखेंगे। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, वन सर्कल दे रखा है और आपको बोला है कि वन तो कंप्लीटली पूरा आपको सर्कल दिया हुआ है, और इसमें तो पूरे में आपको शेड दिया हुआ है, ठीक है, और ये है आपका, ये दोनों साथ में है, तो देखो इसको तो आप पूरा वन बोलोगे, पर इसको तो क्या बोलोगे, वन बाय हाफ बोलोगे। तो जो किस तरीके से होता है ना, यहाँ पर भी एक नंबर लिखा हुआ होता है, ये एक फ्रैक्शन होता है, यानी वन, वन बाय टू, टू, टू बाय थ्री, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, मिक्स्ड फ्रैक्शन।